कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये है शिव पुराण। अब दास के वक्तव्यों पर तो आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पूरा हिंदू समाज जो है अपने सदग्रंथों से अपरिचित है, और जिस कारण से वो महसूस भी कर सकता है। आप देखिएगा, ये है शिव पुराण हिंदी टीका सहित प्रथम भाग, और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण। ये है विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, और यहाँ देखिएगा खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन, कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, बम्बई, इतने इतने। ये देखिएगा विदेश्वर संहिता, ये प्रथमा विदेश्वर संहिता, इसके यहाँ देखो यहाँ लिखा है, ये देखिएगा इधर, ये छोट कोड वर्ष में विदेश्वर संहिता प्रथम भाग अध्याय 9, और इसके पृष्ठ संख्या आप देखिए, इसका पृष्ठ संख्या 17 है। ये यहाँ पर दिखाते हैं कि जो काल है वो सदा शिव काल, वो कह रहा है, वो क्या बता रहा है? ये देखिएगा, नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नमर हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सब को अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। नीचे देखो उठाया, यहां देखना, तो ये वही चल रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल युकाल और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे उकाल बोल रहा है सदाशिव, मेरे इन दोनों रूप, इन यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। वो सदाशिव मीन काल बोल रहा है शिव पुराण में, नहीं हो सकते, इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा और विष्णु को, अथवा दूसरों को, वह शिव तक की बात आएगी, सुन, ईश्वर तब की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम भगवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ, उसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया हूं। आगे देखना, इसी के नीचे जो दास बताना चाहता था कि ये जो किया हुई दे सकते हैं, ये किसी पर रहम नहीं कर सकते, कृपा नहीं कर सकते। ये देखिए, ये अभी आपने यहां तक पढ़ा है, रणसथन में आया हूं, अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। नीचे देखो, मैं ही परब्रह्म हूं, ये काल बह का रहा है, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से, अब देखो ब्रह्म भी कहता अपने आप को, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि ही मेरा कर्त्य है, सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ, हे ब्रह्म के सब, यानी ये ब्रह्मा का रूप धारण करता है, विष्णु का भी करता है, ये भी स्पष्ट हो रहा, हे ब्रह्म के सब,
समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, आगे देखो, और पूर्ण जीव आत्मा। अच्छा नीचे देखो, यहाँ देखना, मेरे सिवा, यहाँ देख नीचे चलो, मैं सबका ईश्वर हूँ, यह मेरा है और यह सारा संसार मेरा, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं। और प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल का प्रभाव हुआ है। हाँ ये देखिए यहाँ पर, हे पुत्रो, ये काल के पुत्र हैं ब्रह्मा और विष्णु और शिव, ये देखना ध्यान से। हे पुत्रो, यह कृत्य यानी सतीथि उत्पत्ति, सतीथि और संहार, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है। आप पर डले ढोके ब्रह्मा और विष्णु शिव ने तप किए, तप के प्रतिफल में इनको एक एक विभाग दे दिया, इनमें सिद्धियां पैदा की। पहले तो जैसे ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर 4 युग तक तप किया, विष्णु जी ने 12000 वर्ष तक तप किया, विष्णु शिव जी ने 88000 वर्ष तप किया। इन तप से राज्य मिलता है, तप से राज्य मिलता है इनको, फिर एक विभाग का मंत्री बना दिया और इनमें सिद्धियां भर दी, उन सिद्धियों से ये अपना काम करें। और जब इनकी सिद्धियां ये समाप्त हो जाएंगी, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर ये जीव के जीव हो जाएंगे। जैसे वर्षा ऋतु में चींटियों का पंख लगाते हैं, कई पंख चींटियां होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, लंबी आयु की हो जाती हैं, उनको ऑटोमेटिक पंख लग जाती हैं और वो अन्य चींटियों में सरदार बन जाती हैं, मुखिया बन बैठती हैं, वो उनकी बड़ी प्रशंसा करती हैं तो आकाश में उड़ जाती हैं। ओहो ये तो बहुत पहुंची हुई है। और वो कहाँ जाती हैं, रात्रि के समय जब दीपक जलता है या लाइट जलती है तो उसके आसपास या तो जाकर उसमें गिर के मर जाती हैं, उन पंखों ने ले डुबोई हुए, वो पंखों के कारण ही वो ऊपर उड़ गई, और या फिर लाइट के चारों तरफ चक टक्कर मार मार के वो पंख रहित हो जाती हैं और फिर सवेरे वो चींटी की तरह रेंगती हुई मिलती है। ऐसे ही जो भी सिद्धियां प्राप्त करके ये ऋषि महर्षि कब आगे सिद्ध कब आए या कोई ये देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये इनकी जो पूर्व जन्म की जो की हुई साधना समाप्त हो जाएगी, ये आम जीव हो जाएंगे, 84 लाख योनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे। अब यहां ये कहता है काल कि हे पुत्रो यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें, ये काल कहता, तुम्हें दिया है आए है। और इसी प्रकार से दूसरे जो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, रुद्र अलग है, महेश अलग है, और शिव पुराण बोलने वाला जो इनको पुत्र कहता है वो और अलग है, वो इनसे अलग भिन्न है। यानी ये काल जो ब्रह्म है ये सदाशिव महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु का रोल करता है। इसी कारण से इन पुराणों में शिव पुराण में भी इसी ज्योति निरंजन की स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ये कह रहा है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु तुमने जो दो विभाग प्राप्त किए हैं, ये तुमने तप किया, तप के बदले से मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दे दिए, और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी दिए हैं। इससे सिद्ध हो गया कि शिव प्राण बोलने वाला कोई अन्य इनसे सुप्रीम पावर है, ब्रह्मा विष्णु और महेश से। देखो नीचे, इसी प्रकार से दूसरे जो कृत्य हैं, रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, और परंतु अनुग्रह करते कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। ये देखो जो दास आपको कहना चाहता था, अनुग्रह, ये देखो यहां पर, परंतु अनुग्रह माने कृपा रहम करते कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी भी यदि उनके ऊपर कितना भयंकर आ गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश उस पर रेम नहीं कर सकते। इति सिद्धम। मासा घटे न तिल बध वेदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अपनात्मा, हमने अपने सदग्रंथों से ही पहले जो ये संत जन डिसीजन ब्राह्मण लोग गुरुजी
हमें बताया करते थे कि शिवपुराण से मैं कथा सुना रहा हूँ, विष्णु पुराण की कथा सुना रहा हूँ, देवी पुराण की कथा सुना रहा हूँ, और उन कथाओं का जो वास्तविकता थी उनके निकट भी नहीं थे, वो हमारे जो गुरु थे, हमारे टीचर थे, जो धार्मिक गुरु थे, वो हम अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं थे, वो अपने पाठ्यक्रम से परिचित नहीं थे, हमारे को विपरीत ज्ञान देकर चले गए और हम इतने रंगे गए उस ज्ञान में, क्योंकि हम शास्त्रों को नहीं जानते थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और उनको संस्कृत का ज्ञान था, वो संस्कृत गणी बोला करते, और काशी विद्यापीठ पढ़ कर जो आ जाता उसके तो वो कति कायल हो जाया करते, बड़ा महापुरुष है भाई, काशी पढ़ कर है, विद्वान ब्राह्मण है, और वो जैसा भी बैक आ गया हमने उसको पक्की मान ली, सत मान लिया, और उसी का दुष्परिणाम आज पूरा समाज भोग रहा है। अभी सत्य को बताते बताते हमने न्यू लगा है कि सुनने वाला मौखिक को तो माना नहीं, आंखें देख कर भी कई दिन में समझ में आओगी, या हुई तो हुई कैसे। एक बता रहा था कि मैं ऑडिटर था, आपका ज्ञान सुनने से पहले दूसरे संत से मैंने उपदेश ले रखा था, 25-30 वर्ष से वहां लगा हुआ था, जिस दिन आपकी ये पुस्तक सीडी देखी, इसमें ये सारा प्रमाण देखा, तो मुझे आंखों देखकर विश्वास नहीं हुआ। 1-2 हजार रुपये की मैं बुक्स खरीद कर लाया, सारी देवी पुराण, शिव पुराण, और फिर वो आपके जो नंबर, पेज नंबर नोट करता रहा, वो मिलाए जब ज्यों के त्यों पाए, मैं तो मेरी तो सारा जो ना बुद्धि वास होगी, अब कहाँ मरूँ कहाँ जाऊँ, 40-30 साल तो वहाँ खो दिए, उससे पहले हिंदू धर्म में खो दिए, पहले फिर वो दूसरा एक पंथ चल रहे नरे ये उनमें खो दिए, अब कहाँ जाऊँ, उम्र भी 50-60 के करीब होगी, ये भगवान आखिर में हार मान कर छोड़ दिया, परमात्मा ये भी अडोर तेरे हाथ में है, कितना ले जा, हमारी तो बुद्धि काम करना बंद करेगी। एकदम प्रेरणा हुई तो उसने अपनी बेटी से कहा, ये जयपुर की बात है, वो लड़की भी आई है, उसकी बेटी भी, वो भी अच्छी एजुकेटेड लड़की है, उससे कहा बेटी देख ये सीडी आ रही है और ऐसे ऐसे इसमें संत बता रहा है। उस लड़की ने भी देखा तो उसने कहा पिताजी जब ये सारे प्रमाण समक्ष हैं फिर इसमें सो विचार करने की भी क्या आवश्यकता रहेगी, इसमें ना करना भी कहाँ और इसमें अगरम मगरम भी कहाँ सोचेंगे। तो उस दिन कहते हम तो ले के यहाँ आ गए और अपना नाम लेकर चले गए, अब दृढ़ता से लगे हुए हैं, 4-5 वर्ष हो गए इनको। तो पुण्यात्माओं अब सत्य को सत्य जचाने के लिए, समझाने के लिए, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए इस दास को कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है और कितनी दुनिया की बूंदी अच्छी सुननी पड़ रही है, तो गंदा है, गुंडा है, क्योंकि जिन लोगों ने दुकान चला रखी इन्हीं को भगवान बताकर, अब उनको तो भाई पेट में दर्द होएगा, अब उनका ज्ञान तो खत्म हो गया, कोई गुंजाइश नहीं उनके पास जो ज्ञान पर विवाद कर सकें। जब जिनका ज्ञान खत्म हो जाता है तो फिर बकवाद ना करने शुरू करते हैं, बदनाम करना शुरू किया है, वो गुंडा है, बदमाशी करता है, ताकि लोग वहाँ जाए नहीं उसके संत के पास, रामपाल के पास, और तुम्हारी अज्ञान की पोल ना खुल पावे, उनका उद्देश्य ये था। लेकिन वो तो बहुत पुराने जमाने की सोच थी कि जब अशिक्षित समाज था तो सब शिक्षित समाज है और उससे ज़्यादा बढ़कर परमात्मा के चरणों में लग रहा है। ये तो दुर्भाग्य उन व्यक्तियों का है जो उन स्वार्थियों के बकवादों को सुनकर और लेट हो जाएंगे यहाँ आने में, वो रोया करेंगे ऊपर न मुँह करके कि हम तो बहुत देर से आए, और कारण वो होगा कि वो बुराइयाँ सुनगी, अखबारों में भी ऐसी बेहूदी बातें छाप डाली है, तेरा गजब हो जिसका सर न पैर कहीं पर। यही उद्देश्य है कि सत्य को सत सिद्ध करने के लिए भी बहुत से ढेर सारे प्रयत्न कर प्रमाण देने पड़ते हैं, एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिए जाते हैं, जब जाके विश्वास होता है सामने बैठे व्यक्ति को जिसने गलत ज्ञान सुन रखा है, और फिर भी महीनों के बाद जाके समझ में आती है कि चलूं या ना चलूं, और जब यहाँ आ जाता है फिर तो ऐसा रंग में रंग जाता है उसको, पृथ्वी पर कहीं संत या भगवान या दूसरा स्थान दिखाई नहीं देता, और कैसी स्थिति हो जाती है
बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़े, जैसे कागज हज का सूजत और न ठोरे। फिर ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे समुद्री जहाज समुद्र में चला जाता है, समुद्री जहाज के ऊपर कौवे बैठ जाते हैं और वो कौवे शाम के समय बैठ जाते हैं कि ये यात्री गण जो है खाना खाते हैं और वहां तुम्हें भी टुकड़ा मिलेगा। तो चलते जैसे 4 बजे जहाज चल पड़ा तो वो बैठ गए शाम का खाने के समय, उन्हें टूक टाक मिल गए, वो लालच में वहीं बैठे रहते हैं। और वो काफी रात्रि के समय तो 100-150 किलोमीटर चला जाता जहाज समुद्री जहाज। तो सुबह जब होता है, पुराने समय की कहानियां हैं एक और वर्तमान में ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए उदाहरणार्थ ली जाती हैं, तो उसमें जो दिशा सूचक होते थे वो भी इतने एफिशिएंट नहीं थे। वो क्या होता था कि समुद्र में कई ऐसी चुंबकीय चट्टान होती थी जिस कारण से वो जो दिशा सूचक था वो अपनी दिशा छोड़ जाता था। उस दिशा सूचक की परीक्षा करने के लिए कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। और कौवे में खासियत दी है प्रभु ने कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। सुबह उठते हैं तो वो कौवे को उड़ाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, पत्थर उस कौवे को विवश कर देते हैं वहां से उड़ने को। अब कौवा वहां से उड़कर उस दिशा को चलता है जिस दिशा से वो यात्रा प्रारंभ की थी, तो वो उस दिशा में उड़कर चल देता है। तो यात्री और वो जो जहाज के चालक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, दिशा सूचक को भी चेक कर लेते हैं कि कौवा इस दिशा में गया है, ये हम उधर से चले थे, पूरब से या पश्चिम से, जो भी जहाँ से चले थे। और कौवा क्या करता है, वो 2-4 किलोमीटर तो उड़ता है, फिर वो देखता है, जहाँ भी देखता है कहीं पर भी कोई उसको ना कोई चट्टान नजर आती है ना पृथ्वी नजर आती है, जल ही जल दिखाई देता है। तो उसको फिर वो जब उसको लगता है कि तू आगे नहीं उड़ सकता और डूब जाएगा, वापस आकर के वो उसी जहाज पर विश्राम पाता है, क्योंकि उसको वही स्थान वही आश्रय मिलता है, जहाज नजर आता है, उसके अतिरिक्त उस जल में वो जहाँ भी देखता है वो डूबने का ही कारण उसको नजर आता है। इसी प्रकार जिसमें आप इस तत्व ज्ञान से और कबीर भगवान से परिचित हो जाओगे, आपकी यही दशा हो जाएगी, आपको इस दास के अतिरिक्त संत और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त कोई भगवान इस पृथ्वी पर नजर नहीं आएगा, 21 ब्रह्मांड में नजर नहीं आएगा, बाकी सभी डूबने के अर्थात 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का ही स्थान आपको दृष्टिगोचर होगा। और इसी का परिणाम है कि कितना बदनाम किया गया, मीडिया उतना गजब हुई हो, जिसको जनता ये समझती है कि मीडिया वाले तो बहुत अच्छा यथार्थ बातें हमारे तक पहुंचाते हैं, उन्होंने कोरी झूठ 100 की 100 100% झूठ बोली। ये तो हो सकता था 20-50 की 60 कर देते हों, 40 कर 80 कर देंगे, लेकिन 0 की 100 करके हमारी झूठ हमारी जो सारा झूठा प्रचार किया, हमारी सत्य को असत्य, सत्य को नहीं दिया असत्य को दिया। और लेकिन हमारे बच्चे जो इस ज्ञान से परिचित थे एक भी टस्से मस नहीं हुआ। तो इसलिए वो बहुत पुरानी सोच थी इन लोगों की, सैकड़ों 100-150 वर्ष 200 वर्ष पहले जहां कबीर परमात्मा को भी फेल करवा दिया था, जबकि वो भगवान आए थे। और जो अब वर्तमान में आपके साथ जो लीलाएं मालिक कर रहे हैं, आपको सुख दे रहे हैं, इससे तो और ज्यादा सुख दिए गए थे, 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के, लेकिन हमें अक्सर ज्ञान नहीं था। और इन स्वार्थी गुरुओं का, ऋषियों का, महर्षियों का दाव लग गया था, कह दिया था कि कबीर तो अशिक्षित है, ये वेदों और सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है।
तो ये मान लेना स्वाभाविक था कि सचमुच सभी सदग्रंथ संस्कृत में अंकित हैं और ये जो वक्ता है ये संस्कृत का विद्वान है, इसलिए शास्त्रों को तो यही सही समझ सकता है। लेकिन यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 13 में कहा है कि कोई तो अक्षर ज्ञान युक्त व्यक्ति को विद्वान कहता है और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देता है। नहीं, अविद्वान और विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा कि केवल एक भाषा का भाषा विशेष का ज्ञान हो जाने मात्र से इंसान विद्वान नहीं होता, विद्वान भी वही परमात्मा है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा है कबीर मनीषी, ओए होए वो कबीर विद्वान, कबीर विद्वान, मनीषी माने विद्वान सर्वज्ञ, वो कबीर सर्वज्ञ, कबीर विद्वान, और वो जब अपने उसका जो शरीर है अकायम, वो अकायम माने वो इस पांच तत्व शुक्रम अकायम असनाविरम, उसका जो शरीर है शुक्रम यानी माता पिता के संयोग से बना हुआ नहीं है, वो काया नहीं है उसकी, और उसके शरीर नाड़ियों से बना हुआ नहीं है, असनाविरम है, और वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होने वाला है, वो परमात्मा कबीर है। तो इसलिए उस समय परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, कबीर परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया था इन झूठे लोगों ने। प्रभु जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई। धर्मदास जी ने कहा था परमात्मा जो आप बातें बता रहे हो और मैंने आंखों भी देख लिया, क्योंकि आप परमात्मा हो, क्योंकि धर्मदास जी को भी मालिक, जैसे गरीबदास साहिब को ले गए, जैसे नानक साहिब को ले गए, गीसा साहिब को ले गए, दादू साहिब को लेकर गए, और मनुपदास साहिब को अपना यथार्थ स्थान दिखाया फिर वापस छोड़ा। तो धर्मदास जी कहते हैं कि ये तो मुझे, मैंने मान लिया कि आप परमात्मा हो, इसमें तो दो राय रही नहीं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा फिर तो वेद और कतेब झूठे हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा गा रहे हैं कि नहीं, परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि नहीं धर्मदास, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, अ झूठे हैं जो समझे ना ही, झूठे तो ये हैं जो इनको समझ नहीं सके। फिर क्या बताया था कि वेद हमारा भेद है और मैं इन वेदन में ना ही, ये चारों वेद जो तुम्हारे पास हैं इनसे मैं नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन मेरी महिमा इनमें बहुत गाई हुई है, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से ना ही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना ही, जिस ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, उस सूक्ष्म वेद से मैं, मेरी प्राप्ति हो, वो इन चारों वेदों में वर्णित नहीं है, इनमें केवल सांकेतिक है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और इसका उच्चारण करके सिमरण किया जाता है, अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक, जो इसका यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक, यानी अंतिम श्वास तक मेरे ओम नाम का जाप करता वो परम गति को प्राप्त होता, अर्थात जो ब्रह्म से प्राप्त होने वाला लाभ है वो उसी को मिलेगा जो ओम नाम का जाप करता। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस ब्रह्म परमात्मा के पाने का तो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उस पूर्ण परमात्मा का तो 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, ओम ब्रह्म का है और तत् सत ये सांकेतिक है। अब यहां पर अपने आप स्पष्ट डिफरेंस नजर आता है, 8वें अध्याय में स्पष्ट कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवारण माम अम सुमन और ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति, मेरा केवल ओम नाम है, और यहां ओम तत् सत 3 बताए, इससे सिद्ध है कि ये किसी और भगवान के विषय में संकेत है और तत् और सत्य सांकेतिक है, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही बता पाएगा। तो परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में ना ही,
और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में लिखा है कि जो उस परमात्मा ऊपर को जड़ वाला नीचे को भगवान वाला है, तम वेद, तम माने उसे जो छुपा हुआ है, किसी के विज्ञान नहीं, जिसका जो अज्ञान रूप अंधकार में छुपा हुआ है, तम वेद उसको जानता है। इस परमा सृष्टि रचना के विषय का जो ज्ञान है, तम वेद माने उसको जानता है, उस ज्ञान के बारे में परिचित है, सवेदवित। इसी में दो वेद हैं, तम वेद यानी उसको जानता है। अब देखिए, इसी प्रकार वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। जौन वेद से मैं मिलूं यानी जिस ज्ञान से, ये चार वेद हैं, चार ज्ञान हैं। जैसे 18 बोध हैं, उनमें पुराण केवल एक ही बोध है, एक ही ज्ञान कहलाता है, 18 पुराण का एक ही ज्ञान है। इसी प्रकार वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक ये देखिए, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस प्रणानी ये तम वेद। वेद माने जानना, यानी उसका ज्ञान जो रखता है। स वेदवित, वो वेद का ज्ञाता है, वह वेद के तात्पर्य को जानता है। देखो, वह ये जो तम माने उसे, वेद माने जानता है, यानी उसका ज्ञान रखता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी वो वेद का पूर्ण तत्वदर्शी संत है, वो पूर्ण रूप से सब वेदों का जानकार है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते ना, यानी ये जो जिन वेद को तुम चार वेद मानते हो, उस वेद को, उस ज्ञान को, जौन वेद से मैं मिलूं, जिस ज्ञान से मैं मिलूं उसको ये चारों वेद जानते नहीं। अर्थात वेद हमारा भेद है, मेरी जानकारी दे रहा है, और मैं इन वेदन में ना, अर्थात मैं मिलूं वेदन से ना, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। अब हम फिर वहीं आते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि ये लोग हमें विचलित कर देंगे, ज्ञान में तो कर नहीं सकते, और बाकी जो बकवाद हैं वो सदा से होती आई रही। परमात्मा के साथ भी कबीर जी आए थे, उनकी लीलाएं आप पढ़ लो, उनके साथ जो बदतमीजियां और जितने भी इन स्वार्थी लोगों ने अत्याचार किए थे, आपका कलेजा मुंह को आ जावे, लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि शिक्षित समाज है, और ये पूरी पृथ्वी पर यह परमात्मा का एक ज्ञान होगा। आप देख रहे हो समाज में कैसी आग लगी हुई है, केवल माया के अतिरिक्त इंसान को कुछ नजर नहीं आता, केवल माया ही अपनी लगती है, ना भाई अच्छा लगता, ना बहन अच्छी लगती, ना कोई रिश्तेदारी से प्रेम रहा, अगर माया है तो प्यार है, नहीं तो नहीं है। और इस माया की प्राप्ति में कितना ही घिनौना और बेशर्म कर्म करना पड़ जाए, इंसान कति अचकता नहीं। हाहाकार मची हुई है और बहुत बुरा हाल इस जीव का हो चुका है। इतना इतना प्रयत्न करता है प्राणी, दिन और रात लगा रहता है, और इतनी इच्छाएं बढ़ा ली हमने कि उनकी पूर्ति हो कहीं नहीं देती, और इसी में हम उलझ पुलझ कर मर जाते हैं। अब क्या होगा कि जैसे हम परमात्मा से सुना करते थे, भगवान हमें अंधे को आंख देता है, भाई रोगी को स्वस्थ कर देता है, निर्धन को धन देता है, परमात्मा चाहे तो पता नहीं क्या कर देता है, रंग को राजा बना देता है और घर में बरकत देता है, इसलिए हम परमात्मा की खोज किया करते थे, और परमात्मा के विषय में कहा करते थे भी भगवान पता नहीं किस रूप में आ जावे, किसी साधु संत के साथ नहीं अड़ना चाहिए, उनके साथ खींचातानी नहीं करनी चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और विनम्रता से बात करनी चाहिए, ना जाने परमात्मा किस वेश भूषा में आ सकता है।
और संत भगवान का स्रोत संत ही माना जाता है। परमात्मा से लाभ लेने के लिए संत ही को की तलाश करते हैं और ये सत्य है। तो इसलिए हम घूमा करते थे परमात्मा के राहत के, परमात्मा से राहत लेने के लिए साधना भी करते थे, अपने जंतर मंतर जिसे अपने परंपरागत थे वो भी करते थे, सब पूजाएं भी करते हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण पूजा करता है उसको ना तो कोई गति होती है, ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई सुख प्राप्त होता है, अर्थात व्यर्थ है। तो वो साधना जो शास्त्र विरुद्ध करके हम जो नास्तिक बन गए, क्योंकि जो भगवान से राहत मिलना की हम आशा करते थे वो नहीं मिली, तो फिर नास्तिक हो गए। गम भुराने के लिए तो शराब पीने लग गए, धनवान बनने के लिए मिलावट या चोरी ठगी डाका रिश्वत लेने लग गए, जबकि इन तरीकों से कोई भी धनी नहीं बन सकता और शराब पीने से गम नहीं भुला सकता। दो, एक तो दूना टूटा हो, शराब पी हुए पैसे खर्च हों और पशु की तरह बदतमीज हो जाता है और नशा उतरते हैं, फिर वह गम वो जो का तू जो टेंशन न्यो की न पावे, तो वो टेंशन तो खत्म होगी परमात्मा से। परमात्मा उस जिस कारण से वह टेंशन बनी है उसी काम को सेट करेगा, फिर वह टेंशन खत्म होगी। तो परमानेंट इलाज तो ये है उसका। तो वो परमात्मा से ना तो टेंशन खत्म हुई, ना धनवान बने, ना घर में बरकत हुई जो पूजाएं करते थे, तो उनको फिर रिजेक्ट कर दिया, नास्तिक बन गए। फिर काल ने अपने दूत भेज दिए कि नहीं, हिंदू धर्म के अंदर और 20 पंथ चलवा दिए। तो हमने सोचा भी ये जो साधना हम कर रहे थे इससे तो कुछ मिला नहीं, शायद ये संत जो बता रहा इसी से कुछ लाभ मिले। तो फिर वहाँ भेड़ वाली चाल वहाँ शुरू होगी, वहाँ विवेक से नहीं गया कोई भी, विवेक से तो अब इस दास के पास आएगा जो दूसरे पंथों के पास चले गए हैं, वो विवेक से आएंगे और विवेक से ही आए हैं। अब वो यहाँ से डगमग नहीं हो सकते थे सारे, जिसने भगवान चाहिए, और जो विवेक नहीं रखता वो तो यहाँ आएगा नहीं, आ गया तो फिर थोड़े दिन में खिसक जाएगा, वैसे किसी के कहने से भी आ जाता है तो वो नहीं रुक सका, क्योंकि उसको भ्रमित करने वालों की गिनती नहीं, और तत्व ज्ञान बताने वाला केवल एक दास ही है इस पृथ्वी पर वर्तमान के अंदर। तो वो निरे पंथ चलवा दिए काल ने, इसलिए चलवा दिए कि जब, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में, काल ने कहा था भगवान को कि आप अब तीन लोगों, तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना वापस, और एक प्रार्थना और वचनबद्ध किया था भगवान ने, भगवान को काल ने, कि आप ज्ञान से अपना बना के ले जा सकते हो, आप अपना ज्ञान देना, मैं अपना अज्ञान दूंगा, आपके ज्ञान को समझेगा आपका हो जाएगा, मेरे अज्ञान को समझेगा मेरे ज्ञान को समझेगा, मेरे पराश्रित रहेगा वो मेरा होगा, आप मेरे उनके साथ, यानी बलात् मत ले जाना, जबरदस्ती ना ले जाना मेरे यहां से। परमात्मा ने ये कहा था कि, परमात्मा को वचनबद्ध करके काल ने ये भी कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान से अपना बनाना, जो मेरे ज्ञान को माने मेरा, मेरे काल जाल में रहे और आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका हो जाएगा। इसी प्रकार काल ने क्या कहा, जब सारे वचनबद्ध सारे वचन ले लिए परमात्मा से कि ठीक है भाई तीन युगों में जीव कम ले जाऊंगा मैं वापस, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना हंस भेजूंगा जो, और मैं आऊंगा खुद, फिर आएंगे हम। तो जब काल ने देख लिया ना कि सारे वचन ले लिए परमात्मा से, यानी सहज दास जोग जीत आदि अपने अन्य रूप बनाकर परमात्मा यहाँ आता है, तो काल ने जब परमात्मा सहजदास रूप में जोगजीत रूप में आए, उनसे वार्ता की और कहा कि मैं तो आपको भगवान ही समझता हूँ, पिताजी समझता हूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो और मुझे आप वचन दे दो, क्योंकि आप परमात्मा की जो है ना शक्ति लेकर आए हो। जब देखा कि सब वचनबद्ध कर लिया सहजदास को अर्थात परमात्मा को,
कबीर भगवान को जो सहजदास अपने पुत्र के रूप में आए थे। तो क्या क्या वचनबद्ध किया था कि चार युगों तीन युगों में जीव कम ले जाना वापस, और चौथा युग जब कलियुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हरमोय दीजिए तब तुम संसार गवन ही कीजिए, तब नीचे को जाना मुझे ऐसे ऐसे वचन दे जाना। जब उसको पता बोलिया ना कि सारी बात मान ली भाई, चार तीन युगों में जीव में कम ले जाऊंगा और जोर जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, जो तेरा तेरी बात को मानेगा तेरा, हमारे ज्ञान को मानेगा हमारा होगा, इस तरह की। तब काल ने कहा था बेशक जा जोग जीत नीचे, जब तू कलयुग में आएगा, कलयुग में तुम्हारा कोई हंस आएगा, तुम भेजोगे सतलोक तय, उस समय तक तो कलयुग में इन प्राणियों को मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा ही नहीं, इनको सबको मिसगाइड कर दूंगा, नारे नारे धर्म बनवा दूंगा, आपस में मार काट खेचा ताड़ी, नफरत से तैना मिले किसी का ज्ञान सुनने की, और अपने दूत भेज करके इनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा, इनको अज्ञान बना दूंगा, तत्व ज्ञान से अपरिचित कर दूंगा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, उस पूर्ण परमात्मा का कोई जानेगा ही नहीं, और जब तेरा हंस आएगा उसका लोग जूते मारेंगे, वो कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, दूसरे देवताओं की मंदिरों की मस्जिदों की गुरुद्वारों की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो लोग उसका पत्थर मारेंगे, उसको मूर्ख कहा करेंगे, वो सच्चाई बताएगा लेकिन लोग सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो परमात्मा बोला आप अपना काम करो, ये हमारा काम है, वो देखी जाएगी समय आने पर पता चलेगा, वो हमारा ज्ञान कोई समझेगा ना समझेगा, तू अपना सिर दर्द क्यों कर रहा है। यूं कहकर भगवान चलने लगे, जब कहता है द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो हमारे मुख आन समोही, धर्मदास जोग जीत जाओ संसारा, जीवन मन कहा हमारा, तीर्थ व्रत और जप तप लाई, देवल धाम और देव पुजाई, के तीर्थ व्रत है और धामा पे मंदिरा में देवताओं की पूजा में उनको फिट कर दूंगा, कोई भी तेरी बात को नहीं मानेगा, कोई ना माने कहा तुम्हारा। तो परमात्मा ने को पता था कि कलयुग में जैसे सतयुग में त्रेता में और द्वापर में ये प्राणी पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और उसमें ये अधिक दुख नहीं मानते, वैसे तो दुख का यह कमी नहीं, परंतु तुलनात्मक तरीका जो आपको सुबह स्टेटमेंट बताई थी, उदाहरण बताया था, इसी तरह दुख तो सतयुग में भी बहुत, क्योंकि मृत्यु होती है, इससे बड़ा दुख है ही नहीं, लेकिन इस कलयुग से सतयुग में के दुख और सुख में बहुत अंतर है। इतना समझो जैसे किसी के चार बेटे में एक मर गया और कलयुग में जिसका एक है वो मर गया, तो कलयुग वाले तो वो प्राणी जिसका एक है वो मर गया, सतयुग वाले वो समझ लो जिसके चार में एक मर गया, उनको इतना कष्ट है। आलिया के माता पिता को कष्ट तो होता है लेकिन फिर भी बहुत राहत मान लेता है। इसी प्रकार जो सतयुग में सुखी प्राणी थे उसमें कैसे सुख था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न होते हैं कि उनके पुण्य इतने होते हैं, वो पिछले जन्म के साधक होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें कहते हैं कि पत्नी से पहले पति नहीं, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती और लंबी आयु होती थी लाखों वर्ष की हो जाती है, और हम आयु को ही ज़्यादा सुख मानते हैं, शरीर काफ़ी स्वस्थ होते थे, जंगल वन बहुत होते थे, ऑक्सीजन बहुत होती थी, शुद्ध वातावरण पर्यावरण इतना खराब नहीं होता था, दूषित नहीं होता था, इसलिए शरीर स्वस्थ अच्छे फलदार बाग बगीचे बनों में जैसे पहले देखा करते हैं, हम इतने अच्छे फल लगे रहते थे नोफरी में, बेर को पता नहीं कितने जिनको कोई भी नहीं छेड़ा करता, खाए जाते न्यू लगे रहते बनों में, ये तो हमारे समय और पहले जैसे
जंगलों में फिर क्या होता था, काजू किशमिश अंगूर न्यू लटके जाया करती, कितने खाएं जो जिस तरह आजकल झाड़ा में बेर लगे रहते थे, तो स्थिति थी। कहने का भाव यह है कि उस समय परमात्मा को पता था कि सतयुग में ये गणे परेशान ना हो और मेरी बात ने को नहीं माने, ये तो जब माने जब कति तंग आ ले, हर चारों तरफ से इसके प्रयत्न फेल हो लेते हैं, जो साधना ये करता वह भी कंडम हो लेगी, जब फिर कहीं राहत मिलेगी तब उसको ये स्वीकार करे कर पाएगा प्राणी। और यही बनता है, सतयुग में वो साधना करते थे, वो मानते थे कि हम जो पूजा करें इससे हमें सुख हो रहा है, लेकिन वो थी पूर्व जन्म की कमाई, इसलिए परमात्मा की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार ना करके उन भ्रमित ऋषियों और महर्षियों के ही ज्ञान पर आधारित रहे। इसलिए परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये व्यक्ति मेरी बात नहीं मान पाएंगे। अब कलियुग में क्या होगा कि वो उन प्राणियों का जन्म होगा जिनकी पुनः जन्म की कोई अच्छी कमाई नहीं है, इसमें दुख ज्यादा है और पुण्य कम है। अब जब तक पुण्य चलते हैं तो ये सोचता है कि जो साधना मैं कर रहा था ये कर रहा हूं इससे मुझे सुख है, लड़का हो गया लड़की होगी भाई, सर्विस लग गई या कोई प्लाट बढ़ी या कोई ठीक मिल गई कि तक एक्सीडेंट में बचाव हो गया, तो इन सोचते हैं कि इसी से हो गया जो मैं पूजाएं वर्तमान में कर रहा हूं। और फिर शुरू होता पाप कर्मों का दौर, फिर वो कष्ट पे कष्ट आना शुरू हो जाता है, फिर वो अपनी पूजा ने भी भूल के फिर किसी और संत के पास जाता है, उससे भी नहीं होता किसी और के पास जाता है, कहीं वहाँ भी नहीं मिलता है, फिर मंदिर मस्जिद कहीं भी जिसको बता देता है, फिर वहाँ भटक भटकता है मुझे राहत मिलेगी। अब कलयुग में यह स्थिति है, अब कहीं भी नहीं मिलता है और फिर वो राहत मिले, अय हय, फिर वो सबको छोड़ के जो पूजा खुद करता था या जिनको वो भगवान या संत सथन मानता था संत मानता था, फिर उनको नहीं मानेगा। और परमात्मा के पास एक और पावर है, उसके पास अपनी वीटो पावर है, वो अपनी शक्ति से अपने कोटे से आपका जीवन बढ़ा दे, आपको धन दे दे, आपको संतान दे दे, जो मांगे सो दे देगा अपने उससे। अभी आपने पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अनुग्रह नहीं कर सकते, ये कोई भी किसी भी कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल वर्क डन ही दे सकते। तो परमात्मा को मालूम था कि कलयुग में ये प्राणी अपनी जो पूजाएं करते हैं उनको भी करके छक लेंगे, और जो संत जा चुके हैं पहले भी जगह काल जिन संतों को, वो भी अपने अज्ञान का डंडोरा पीट चुके होंगे और उनकी सब जनता उनके ज्ञान से युक्त हो चुकी होगी कि ये क्या शिक्षा देते हैं, और उनसे भी समाधान नहीं हो पाओगा, वो भ्रम भटक रहे होंगे। तब मैं अपने दास को भेजूंगा या स्वयं आऊंगा, और फिर जो हमारे से संबंधित आ जाए हो जाएगा, जो दुखी आत्मा वहां आएगी, आते ही हम उनको राहत देंगे, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं और बच्चे की जेब में ना पैसे हों पिताजी के पास आ जाता, आते ही 10-20 ठाड तो मांग लिया करे 50-100 जब वह दे लेगा, और दे दिए जाते हैं तो हम उस कबीर भगवान की आत्मा है, उसके बच्चे हैं, जब हम उसके पास आते हैं हमारी बुरा हाल देख करके वो पिता है हमारा, उसको देने ही पड़ते हैं, यानी हमारे को राहत देनी ही पड़ती है, और वो राहत देता है, फिर हम गदगद हो जाते हैं कि ओहो भगवान तो यही था। परमात्मा उदाहरण देते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वह स्वयं ही संत बनते हैं, स्वयं ही भगवान की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक भक्त बनते हैं, दास बनते हैं। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम, कहते पर्वत मंदिर मस्जिद सब जगह में घूम लिया परमात्मा के लिए, और जो परमात्मा जैसे संत मिले यानी जिन्होंने फिर मेरे सारे काम सार दिए, सब काम मेरे ठीक हो गए, तो वो परमात्मा मिले। इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में ये प्राणी कलयुग में सूतमा होंगे मेरा, ये कलयुग में ही फंसेंगे, इतने तो काल की या जो है ना जाल इनकी समझ में नहीं आता। अब भी जो सुखी हैं, अच्छी पोस्ट है या किसी का अच्छा धन है, कार कोठी फैक्ट्रियां का डूडा उठ रहा है, वो ने सोचा ठीक है मैं जो भी अपनी आरती करते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं गुरुद्वारे में जाते हैं इन्हीं से हमें मौज हो रही है, नहीं पिछले जन्म की मलाई खा रहा है और आगे तैयारी नहीं की,
ये तो पिछली बैटरी चार्ज है, तब तक चलेगी, जिस दिन ये एकदम समाप्त होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, तो सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हमारे मालिक हैं सभी आत्माओं के, चाहे वह चीटी बनी है, चाहे कोई हाथी बना है, शेर बना है, रंग है या राजा है। और हम काल के जाल में फंस गए। परमात्मा ने कहा था जब हम वहां से चलने लगे काल के साथ में, कहा था तुम जा रहे हो और सब इच्छा से जा रहे हो, वापस भी तुम सब इच्छा से आ सकोगे, वापस जब आओगे यहां सब इच्छा से आओ, आपकी जैसे अब प्रबल इच्छा इस काल के साथ जाने में लगी हुई है, बनी है, ऐसी इच्छा तुम्हारी वहां से वापस आने की बनेगी, तब तुम्हें लेकर आऊंगा। तब मैं तुझे लेकर आऊंगा, तुम्हें लाऊंगा। और एक ख्यास एक ध्यान रखना, ये जो सार नाम है, ये सार मंत्र है, ये तुम्हें बताता हूं, इसको मत भूलना। जिनको तीसरा नाम प्राप्त हो चुका है, सार नाम यानी वो सत मंत्र जो ओम तत्सत का जो आखिरी मंत्र है, जिनको वो प्राप्त हो चुका है, वो समझ जाएंगे ये कोड वर्ड है। उस परमात्मा ने कहा था कि तुम इस मेरे नाम को मत, इस सार नाम को मत भूलना, इसको याद रखना, इसको याद रखोगे तो मैं तुम्हारे पास तुम्हें शीघ्रता से ग्रहण कर लूंगा। तो काल ने सबसे पहले उस मंत्र का नामो निशान मिटाया। अब दूसरा कहा था कि जितनी प्रबल इच्छा से तुम यहां से जा रहे हो, उतनी प्रबल इच्छा तुम्हारी यहां आने की होगी, तब मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। यदि तुम्हारी आस्था काल के जाल में फंसी रही, उसी में तुम आसक्त रहे, फिर मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकूंगा, नहीं छुड़ाऊंगा। अब जैसे बालक, हमने गलती कर दी, एक बार तो गलती इतनी भयंकर कर दी कि काल के ऊपर इतने आसक्त हो गए, पिताजी ने कई बार संकेत किए, भाई इसके जो ड्रामेबाजी को मत देखो, तुम बहुत कष्ट उठाओगे, इसके ऊपर इस बात का तुम्हें बहुत भयंकर परिणाम मिलेगा। हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से उसकी चाह गई नहीं, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। अब हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि परमात्मा ने हमें यहां आने ही क्यों दिया, परमात्मा आने नहीं देते, लेकिन हम अपनी जो पतिव्रता पद को छोड़ चुके थे और इस काल के ऊपर आसक्त हो चुके थे, और परमात्मा के बार बार समझाने से भी हम नहीं माने, हम इतने प्रबल इच्छा बना ली इसके साथ आने की, और आगे तो अब हमें कितने दुखी हो रहे, रो रहे हैं, टक्कर मार मार के, कोई गधा बन रहा है, कोई कुत्ता बना है, कोई कुतिया बनी है, किसी के कीड़े पड़े हुए हैं, कुछ अधरंग मार रहा है, किसी के कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। और अब वो एक निशुणता काल हमारी, क्योंकि उसके पास वो पावर कोई ना, क्यों जान नहीं दे, उसको तो स्वार्थ है कि 1,00,000 जीव रोज खाने, 1,25,000 उत्पन्न करना। तो उसके लिए उदाहरण है कि एक लड़की ने, ये दास पहले जेई की सर्विस करता था, तो उस समय एक रोड की भी जो है ना, एक सड़क भी बन रही थी, उसके साथ साथ हमारा इरीगेशन का कार्य भी चल रहा था। तो वहाँ वो, हम भी वहीं एक दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे वो वहाँ सेवा कर रहे थे, वहाँ एक लड़की रो रही थी बैठी बैठी वृक्ष के नीचे दोपहर के समय, दो बच्चे उसके साथ थे। तो उससे पूछा, माँ बहन क्यों रो रही है, क्या बात है? बोली, के बताऊँ, अपने कर्मा न रो रही हूँ जी, मैं अपने कर्म रो रही हूँ।
फिर भी चलो रोराली जब आप बताने लायक गई, हम तो चुप हो गए भाई, केरा क्या दुख हो बालक में, हमने क्या लेना देना है। नहीं बोली मैं, जो मेरा पति है ना वो हमारे नौकर होता था और मैं अच्छे घर की लड़की थी और मैंने इसके साथ माता पिता के विरोध करते करने पर भी जबरदस्ती मैं इसके साथ आ गई और बहुत समझाई, मेरा माँ भी रोई, मेरा बाप भी रोया, हैं बहुत समझाई, बेटी बहुत दुख पाओगी, पर मैंने एक नहीं सुनी, इतनी नालायक थी। अब मैं कमाती हूँ, वो शराब पीता है, दो बालक हो गए, मारे पीटे, जो पैसे ले जाती हूँ जाते छीन लेता है, कई बार तो हम माँ बेटा भूखे सो जाते। जब तो हमने भी कोई नहीं, माँ ठीक है अभी अपने कर नहीं पाई तो नहीं, अब वो उदाहरण फिट हुआ कि हम उस परमात्मा से दूर होकर अपनी सब इच्छा से इस नकली पति के साथ आ गए, अपने परम पिता ने छोड़कर इसने हमारे साथ वो दुर्गति कर रखी है। अब माँ बाप ने फिर भी दुख आता है, पिता ने तो फिर भी हम प्यारे लगते हैं, वो फिर भी हमारे दुखों को दूर करने के लिए आते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं कि अब भी तुम इतनी ही प्रबल इच्छा बनाओ जितनी प्रबल इच्छा तुम यहां आने की थी। अब जैसे ये तत्वज्ञान चला था कुछ दिन आस्था चैनल पर, फिर बाद में स्वार्थी लोगों ने विरोध कर दिया था और वो मालिक घबरा गया कि हमारे सारे कार्यक्रम बंद हो जाएंगे यदि आपका प्रोग्राम चलाया तो, बंद कर दिया। लेकिन बहुत से बुद्धिमान लोग उसको समझ कर आए, अगर वो एक वर्ष चल जाता पूरे विश्व में तहलका मच जाता परमात्मा की महिमा का। अभी शायद ना समय हुआ होगा, परमात्मा ने करना तो है और थोड़ा समय और लेते होंगे, संसार में जाएगा ये तो अब जाएगा, रुक नहीं सकता। फिर भी उदाहरण देता हूँ, उसके प्रश्न उत्तर करने वालों के बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर आए, प्रश्नोत्तरी हुई, तो उनमें से एक ने ये प्रश्न किया कि मान लीजिए हम फिर चले जाएं वहाँ पर और वहाँ फिर गलती कर देंगे, फिर आ जाएंगे, कभी नहीं कर सकते हम तो, इधर झाँक के भी ना देखें, एक बार उस सुख को जब देख लेंगे। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो और वो कुमार्ग पर चले गए आप गलत रास्ते पर, और वहाँ पर आपको डाकू मिल गए, ठग मिल गए, बदमाश मिल गए, आप लूट भी लिए, आपके जेवरात भी तोड़ लिए, मारपीट भी कर दी, सारा छीन लिया, और आप जान बचा के वापस आ जाओ किसी कारण, और फिर आप उस रास्ते जा सकते हो, सपने में भी नहीं जाओगे। हम यहाँ लौट कर पिट कर जब वापस जावांगे तो यहाँ मुँह भी करके ना सोएं, और हम औरों को भी सतर्क करेंगे तो और भी नहीं मार खाएंगे। इसी प्रकार हमने सब इच्छा से यहाँ से जाएंगे और इतनी प्रबल इच्छा हो और इस काल के अंदर हमारी आस्था ना होगी तो परमात्मा हमें यहाँ से इस काल की कैद से छुटवाएगा, नहीं तो नहीं छुटवाएगा। कैसे? जब सीता जी को रावण ने अपनी कैद में बंद कर रखा था, हनुमान जी को भेजा, इधर उधर सबको भेजा था, हनुमान जी उधर चले गए जहां सीता जी को रोक रखा था। अब हनुमान जी सीता जी की खबर लेकर वापस आ गए, श्री रामचंद्र जी को पता भी चल गया कि सीता जी रावण की कैद में बंद है। अब प्रश्न उठता है कि सीता को वहां से रावण की कैद से छुटाना कोई बालकों का खेल नहीं है, वो तो स्वयं भी योद्धा है, बहुत उसके पास बलशाली भाई हैं, पुत्र हैं, बड़े सोना उसके योद्धा, बड़ी सेना है उसके पास, तो उसके लिए कुछ करना है तो उस बहुत कुछ करना पड़ेगा, सेना भी एकत्रित करनी पड़ेगी, ऊपर से जो भी हमने बहुत युद्ध भी करना पड़ेगा, बहुत सी सेना भी मरेगी, तो उसके लिए रामचंद्र जी ने सबसे पहले यही जानना चाहा कि सीता जी यदि रावण की हो चुकी है फिर तो हम नहीं, उसकी आस्था वहाँ हो चुकी है, रम गई है उसमें, तो हम नहीं छुटवाएंगे और ना ही सेना लेकर जाएंगे, ना युद्ध करेंगे, हम नहीं लाएंगे। और यदि वो उसकी आस्था वहाँ है नहीं और हमारे हमें चाह रही है तो हम फिर उसको अवश्य छुटवाएंगे। इसलिए घुमा फिराकर हनुमान जी से प्रश्नोत्तरी होती है। आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने अपने अमृतवाणी में उसके बताया है, रामचंद्र जी कहते हैं, अरे बंचर क्या खबरां कपी लाए। अब क्या पूछता है रामचंद्र जी घुमा फिरा कर, जैसे
घुमा फिरा कर पूछता है, कहते हैं अरे बंचर क्या खबरां कपी लाए कपी बंदर, कहो सीता की बात बिथा सब क्या क्या भोजन पाए, कैसी प्रीत करी तुम सेती बिंजन कहां जमाए, और कहो हनुमंत संत जन मेरे भूखे रहे अकधाए, कैसा बदन विनोद सती का और बुझो हो मन लाए, बुझत हो मन लाए और क्या पौनिक पटंबर पहरे हार डोर गल छाए, कहा सिंगार उचार करत है रावण सिज्जा जाए, और सुरमा सिल्की सिज्जा पैठी ना तुम बदन छिपाए। आए है अब क्या क्या पूछा श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से, क्या क्या प्रश्न किए कि हे मेरे प्यारे संत जन मुझे बताइए आपने कैसे कैसे भोजन खाए, और तेरे साथ सीता जी ने कैसा व्यवहार किया, वो तुझे कहाँ भोजन खिला कर लाई, वो कोई हार श्रृंगार किए हुए थी उसने, उसने सुरमा सिल्क यानी कोई हार श्रृंगार रखा था, सुरमा शर्मा डाल रखा था, और वो रावण के पास जाती थी या नहीं, मतलब इस तरह की घुमा सुमा कर बातें की कि तू कहाँ भोजन खा के आया। अब वो तो बताना है होता, मान लिया भाई मैं उड़ गया था, सीता मैंने वहाँ ले गई थी, रावण के घर में ले गई थी, बढ़िया खाना खिलाया था, तो सारा बताना पड़ता। तो क्या कहता है, बोले पौनी यानी पवन पुत्र, हनुमान जी कहने लगे बोले पवनी होए सो होनी, सुन हो रघुपति राय, सीता सती अति अति आतुर, आंसू पात चल जाए। हनुमान जी कहते हैं सुन हो रघुपति, जो होनी हो वह तो होगी बिचारी गेला, वो तो क्या हो, परंतु सीता जी जो है अति सती जो कि तू है, और उसकी तो आंखों में आंसू चल रहे थे, वो किसके हार श्रृंगार करे थी, और ढूंढत फिरा लंक चहूं और नौलख बाग छिपाए, सारी लंका में घूम फिर के मैंने उसको नौलखा बाग में छुपा कर रखी हुई थी, वहां मिली, और जा वृक्ष पर छुपकी लगाई मुद्रा भेंट चढ़ाए, वृक्ष पर बैठ गया मैं छोटा सा रूप धारण करके, ऊपर से मैंने वह तेरी अंगूठी डाली थी, और तहां प्रणाम करी सती सो माता दर्शन पाए, वहां मैंने माँ के दर्शन किए उस सती को, वहां प्रणाम किया, और झरे परे का हुक्म किया था नौलख बाग अघाए। आप तो कह रहे हो कि वो कहाँ भोजन करा के लाई तेरे को, तो सीता जी ने तो कहा था भाई, मैंने कहा माता मुझे भूख लगी है, तब सीता जी ने कहा था भाई हनुमान जी यहाँ कोई वृक्ष का फल टूट के गिर जाए तो खा सकती हूँ मैं, तोड़ के भी नहीं खा सकती, मेरे लिए आदेश नहीं, और बेटा भाई तुझे कहाँ से खिलाऊंगी मैं, कोई टूट के नीचे गिर गया हूँ तो फल खा लिए, तोड़ के मत खाइए भाई, ना मन न छेतेंगे मुझे पीटेंगे ये बुरा हाल कर देंगे। अब इस बात से हनुमान जी कहते हैं फिर मन ने कहते हैं फिर माता ने कह थी भाई जड़े पड़े का हुक्म है खाने का, फिर मन ने तो सारा तो बाग तोड़ दिया और सारे फल खा लिए उनके। जरे परे का हुक्म किया था नौलख बाग अघाए, नाजुक बदन नाम तुम्हारे पर जैसी माता जाए, कि वो तो आपके नाम पर जो कि तो आधारित है आपके ऊपर, उस वो आज ऐसी है जैसे माँ के जैसी माता जाए, अर्थात वो सती है, रावण से उसने कोई संबंध स्थापित नहीं किया। नाजुक बदन नाम तुम्हारे में तुम्हारे से जैसे माता जाए, रावण से ती प्रीत ना जाकी और चंद बदन मुरझाए, रावण से उसका कोई प्रीत नहीं है और वो सुंदर चेहरा नहीं है उसका, बिल्कुल कमल की तरह वो मुरझा चुकी है, बहुत कमजोर होगी है।
पनंग समेट पद्म आसन से पौना गगन चढ़ाए, त्रिकुटी संजम ध्यान ताज का सूरज कमल उगाए, हार डोर नहीं पाठ पटंबर सीता मन मुरझाए, अगर माल वे मूरत सूरत गरीब दास पद गाए। अब भाव ये है इस जो कथा से हमने इतना निष्कर्ष निकालना है कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने सीता को रावण की कैद से छुटवाने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहा कि वो उसको वहाँ आस्था तो नहीं होगी है उसकी, वहाँ रावण से वो मिल चुकी तो नहीं है और वहीं के जो सुख सुविधा से वो जो सेटिस्फाई होगी है, वहाँ उसको प्रयोग करने लग गई है, उसी में आसक्त है तो हम नहीं लाएंगे छुटवा कर, वो उसकी आस्था हमारे नहीं रही। तो अब हम यहाँ काल रूपी रावण की कैद में हैं और हमें वो परमात्मा तभी यहाँ से छुटवाएगा जब हम तन मन और धन से उसी परमात्मा के होंगे, उसी पर हम इतनी प्रबल इच्छा बना लेंगे तब वो चाहे कुछ भी करना पड़े आपके लिए। जैसे श्री रामचंद्र जी के पास सेना नहीं थी, उसने शिव जी अपने जो है ना छोटे भाई से प्रार्थना की और इंद्र से प्रार्थना की, तो शिव जी ने 18 पदम सेना ऊपर से भेजी थी अपने लोक से, 18 पदम रीछ, कुछ किसी ने रीछ का रूप धारण कर लिया, किसी ने क्या आएगा, तो इस प्रकार तब उस रावण को की सेना के साथ युद्ध किया और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की से भी याचना की, उसने आकर के रावण का अंत किया और तब 33 करोड़ देवताओं की भी बंध छुटी और सीता जी को भी छुटवाया गया। तो आज हम काल रूपी रावण की कैद में बंद हैं और हम अपने परमात्मा में ऐसे इतनी श्रद्धा बनाएंगे तब वो हमें छुटवाएगा। अगर हमारी आस्था यहीं की सुविधाओं में रह जाएगी तो फिर वो परमात्मा हमें नहीं छुटा पाएगा। जहां आशा तहां भाषा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई सत साही। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।